हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, वो क्या दी हुई है, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, वेयर जो मोड ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंप्लाई करता है कि जो एक्स की वैल्यू या तो वो माइनस 1 या माइनस 1 से लेस देन होगी, या आपकी जो एक्स की वैल्यू वो 1 या 1 से ग्रेटर देन होगी। उसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी है कोस इनवर्स 1 बाय एक्स, इसके इक्वल आएगा आपका सीकेंट इनवर्स एक्स के, और यहाँ पर जो वही सेम वैल्यू आपकी मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आएगा, 1 से। थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपकी टेन इनवर्स 1 बाय एक्स किसके इक्वल आएगा, कोट इनवर्स एक्स के, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपका एक्स वुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब मान लिया आप इन प्रॉपर्टीज में अगर ध्यान दें तो आप देखो, अगर आपका x यहाँ पर जो आपकी वैल्यू जाएगी, ये जो वैल्यू जाएगी यहाँ पर जो वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू जो आएगी वो साइन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करेगी, ये वैल्यू जो आएगी वो कोसेकेंट इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग करेगी। आपको पता है x जो है अगर मोड x से ग्रेटर देन है तो ये चीज़ क्या इंप्लाई करेगी, इसका मतलब है जो x आपका लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है या आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अगर आपका x माइनस 1 से लेस देन है, माइनस 1 या माइनस 1 से लेस देन है, तो 1 बाय x आपका क्या आएगा, 1 बाय x। अगर आपका x माइनस 1 या माइनस 1 से लेस देन है तो 1 बाय x आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि जो नंबर माइनस वन से लेस देन हैं उनके रेसिप्रोकल्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस वन से ग्रेटर देन आएंगे। उसी प्रकार अगर आपका एक्स वन से ग्रेटर देन है तो वन बाय एक्स जो आएगा आपका वो क्या आएगा, वो लेस देन वन आएगा, क्योंकि जितना बड़ा नंबर आता जाएगा उसका रेसिप्रोकल वन से छोटा आता जाएगा। जैसे आपका फाइव है, एक्स आपका फाइव है तो वन बाय एक्स आपका क्या है, वन बाय फाइव, जो कि वन से लेस देन है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका x यहाँ पर कोसेकेंट इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करता है तो 1 बाय x डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा आपका, 1 बाय x जो बिलोंग करेगा वो किसकी डोमेन से करेगा, साइन इनवर्स x की, क्योंकि साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू 1, और इन दोनों से क्या आया आपका, जो 1 बाय x आपका वो किससे बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू 1। लेकिन ध्यान देने की जो बात है, यहाँ पर जो आपका x है वो क्या किसके इक्वल नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, x जो आएगा आपका किसके इक्वल नहीं आ सकता, 0 के। तो मतलब आपका क्या है, 1 बाय x क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू 1 एक्सेप्ट 0। तो यानी कि अगर x आपका कोसेकेंट इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग करता है तो 1 बाय एक्स आपका डायरेक्ट यहीं से पता लग जाएगा आपका, 1 बाय एक्स किससे बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन से, साइन इनवर्स की डोमेन, जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन से। उसी प्रकार आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है कोस इनवर्स 1 बाय एक्स किसकी इक्वल आएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स की इक्वल आएगा। और यहाँ पर आप देखोगे जो एक्स की डोमेन है यही, तो 1 जो एक्स की वैल्यूज है वो ये है आपकी, तो 1 बाय एक्स की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएंगे, मतलब माइनस वन या वन के बीच में एक्सेप्ट 0, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज में आपने क्या देखा, इधर जो लिखा है ये साइन इनवर्स की डोमेन है को रिप्रेजेंट करेगा 1 बाय एक्स, और यहाँ पर जो एक्स है वो कोसेकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन से आए। तो मतलब अगर आपका एक्स कोसेकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन से बिलोंग करेगा जो एक्स है, तो ऑब्वियसली वहीं से निकल जाएगा, 1 बाय एक्स भी किसकी डोमेन से बिलोंग करेगा, जो इसकी साइन इनवर्स की डोमेन है। सेम यहाँ पर अगर आपका एक्स कोस इनवर्स एक्स की डोमेन से, सेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन से बिलोंग करेगा, जो कि यही भी है आपकी, मतलब माइनस 1 या माइनस 1 से लेस देन या आपके 1 या 1 से ग्रेटर देन, तो वहाँ से 1 बाय एक्स अपने आप किससे आ जाएगा, क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू 1 एक्सेप्ट 0, जो कि आपकी कोस इनवर्स
जो इनवर्स कोस इनवर्स फंक्शन है जो आपका उसकी डोमेन से बिलोंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों साइड की जो डोमेन्स हैं वो कैसी आए आपस में, मतलब एक से दूसरे की निकलनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका एक्स पॉजिटिव फिर तो ठीक है, अगर आपका एक्स नेगेटिव आ जाता है, एक्स नेगेटिव है आपको पता है कोट इनवर्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर कोट इनवर्स में के अंदर कोई भी चीज लिखी है आपकी नेगेटिव है, जैसे कोट इनवर्स माइनस पाई बाय फोर है तो आप उसकी वैल्यू निकालोगे थ्री पाई बाय फोर आएगी। तो मतलब यहाँ पर अगर नेगेटिव है कुछ भी तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो किस में से आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट से। और इधर से अगर एक्स आपका नेगेटिव है, अगर एक्स हम नेगेटिव लेते हैं तो वन बाय एक्स भी नेगेटिव आएगा, तो जो टेन इनवर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी किसमें से आएगी, माइनस पाई बाय टू से लेकर जीरो के बीच में। क्या फिर दोनों की डोमेन आई एक दूसरे से, नहीं बिलो। तो मतलब अगर आपका एक्स नेगेटिव आएगा तब ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती। दोबारा ध्यान दे सकते हो आप, अगर आपका एक्स नेगेटिव हुआ तो कोट इनवर्स किस क्वाड्रेंट में से वैल्यू आई, सेकंड में से। अगर इधर अगर एक्स नेगेटिव है टेन इनवर्स वन बाई एक्स, जहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू किससे आएगी, माइनस पाई बाय टू से जीरो, मतलब आपकी यहाँ से वैल्यू। और जब कोट इनवर्स एक्स का केस आएगा तो यहाँ से। तो क्या इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए जब आपका एक्स नेगेटिव आएगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। हाँ आगे वो बता सकते हो आप क्या हो सकता है, अगर आपका एक्स नेगेटिव आता है तो आप लिख सकते हो माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स की इक्वल होगा, अगर आपका एक्स नेगेटिव आ जाए तो, तब की बात है। तो अब इनके कुछ प्रूफ्स प्रूफ कर सकते हैं हम। अब पहली प्रॉपर्टी आपकी, जैसे इस प्रॉपर्टी को आपने प्रूव करना है तो हमने क्या किया, मान लिया कोसिकेंट इनवर्स एक्स को आपने थीटा ज़ूम कर लिया, देन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट इधर आकर कोसिकेंट थीटा बन गया, तो साइन थीटा बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लो, कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल साइन थीटा, एक्स का वन बाय एक्स आ गया। और यहाँ पर ध्यान रहे वन बाय एक्स किसके इक्वल नहीं है, आपका एक्स कह सकते हो आप, एक्स किसके इक्वल नहीं आ सकता आपका, जीरो के इक्वल नहीं है। तो लेकिन जो वन बाय एक्स, अगर आपका एक्स माइनस वन या माइनस वन से लेस देन है, वन या वन से ग्रेटर देन है, तो आपका वन बाय एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, ठीक है। तो यानी कि आपका जो थीटा कितना आ जाएगा, आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स वन बाय एक्स, और तो यानी कि ये भी थीटा की वैल्यू और यहाँ पर ये थीटा, दोनों चीज़ें क्या हुई आपकी इक्वल आई, कब, जब आपका मोट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो सॉरी यहाँ पर वन बाय एक्स ही था, वन बाय एक्स आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स के। कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स के। और ध्यान रहे यहाँ पर जो भी एक्स आएगा, जो इनके रिस्पेक्टिव जो कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो डोमेन से बिलोंग करेंगे, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया तो यहाँ पर जो x आएगा वो साइन इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग करेगा। टेन इनवर्स x का क्वेश्चन आएगा तो टेन इनवर्स x लिखा है तो आपका जो x आएगा वो टेन इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करेगा जो कि रियल नंबर है। उसी प्रकार कोसिकेंट इनवर्स x है तो कोसिका x जो आएगा वो कोसिकेंट इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग करेगा जो कि आपकी क्या होती है रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन उससे बिलोंग करेगा। वही लिखा मैंने मोट x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, या आप कह सकते हो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, एक ही बात है। तो ये जो आपकी तीन प्रॉपर्टी है ये आपकी एक तरह की, आपको ध्यान रखना है इनमें साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो इनमें क्या आएगा, जो माइनस का साइन है वो बाहर निकल जाएगा। जो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगली तीन प्रॉपर्टीज हैं उनमें देखना, कोस इनवर्स माइनस एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो सब में एक ही बात दी है क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस
कोट इनवर्स x, और जो x आएंगे वो जो भी फंक्शन लिखा उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन है उसे बिलोंग करेगा। जैसे कोस इनवर्स x का क्वेश्चन है तो x जो आएगा कोस इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग करेगा। सीकेंट इनवर्स x का है, सीकेंट इनवर्स x लिखा है तो यहाँ पर जो x लिखा वो सीकेंट इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग करेगा, जो कि ये लिखेंगे। इसी प्रकार कोट इनवर्स x है तो जो x है वो कोट इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग करेगा। अब जैसे मैंने एक पार्ट आपको जो ये सेकंड है इसका मैंने प्रूफ दिया है यहाँ पर, जैसे आप पहले तीनों का एक तरह का और अगले तीनों का एक तरह का, मैंने पहले तीन में से करवाया पहले, तो tan इनवर्स माइनस x किसके बराबर है, हमने मान लिया थीटा के बराबर है, और पता वहाँ पर x आपका क्या है रियल नंबर है लिखा है। उसके बाद tan इनवर्स उधर चला गया इधर, माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा, माइनस का साइन उधर ले गया मैं, x इज इक्वल टू कितना आया आपका माइनस tangent थीटा, तो माइनस tangent थीटा को आप tan माइनस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि tan माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस tan थीटा के। तो अब tan इधर ले आए हम, तो आपका कह सकते हो माइनस थीटा किसके इक्वल आया tan इनवर्स x के, माइनस उधर चला गया थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, और आपको पता थीटा की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी tan इनवर्स माइनस x, तो वो किसके इक्वल आया माइनस tan इनवर्स x के। और ध्यान रखना जो भी x यहाँ पर आएगा वो किसी बिलोंग करेगा जो tan इनवर्स की डोमेन है। अब जैसे मैंने ये पार्ट प्रूव किया है यहाँ पर, सीकेंट इनवर्स माइनस x किसके बराबर होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, तो मैंने क्या किया मान लिया सीकेंट इनवर्स माइनस x को क्या आएगा थीटा मान लिया हमने, क्योंकि आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स x वैल्यू तो क्या देते हैं वो एंगल की देते हैं, इसलिए मैंने थीटा जूम कर लिया। तो आपको माइनस x किसके को लाया यहाँ से सीकेंट थीटा के, ध्यान रहे जो x है यहाँ पर वो किससे सीकेंट इनवर्स x की डोमेन से बिलोंग किया उसने, मतलब मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया 1 है। उसके बाद माइनस सीकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो सीकेंट पाई माइनस थीटा, तो अब मैं सीकेंट वापिस देखा हमें इधर आगे सीकेंट इनवर्स माइनस x इधर रहता आपका पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से क्या आ गया ये इधर आगे माइनस का ये इधर आगे प्लस का, मतलब थीटा वैल्यू की वैल्यू आ गई आपकी पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, और थीटा किसके बराबर है सीकेंट इनवर्स माइनस x के, तो मतलब सीकेंट इनवर्स माइनस x आपका किसके को लाया पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। जो ये प्रॉपर्टीज अगर हम वैसे भी ध्यान दें पाई क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कोस इनवर्स सीकेंट इनवर्स कोस इनवर्स की अगर हम रेंज देखें तो आप क्या कह सकते हो 0 to π थी, और 0 to π में कोस की वैल्यू नेगेटिव किस में आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए ही है आपका कह सकते हो एक किस्म से, मतलब उसी प्रकार सीकेंट इनवर्स माइनस x की बात है, सीकेंट इनवर्स x की भी अगर बात करें सीकेंट की जो आपकी रेंज थी या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह लो वो क्या थी आपकी 0 to π एक्सेप्ट इंटरवल एक्सेप्ट π/2 था, उसी प्रकार कोट इनवर्स x की ओपन इंटरवल 0 to π थी, तो अगर ये नेगेटिव लिखा तो इसका मतलब यही है जिनकी वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में निकाली हुई है उन्होंने, ये पाई माइनस कुछ भी आए कोस इनवर्स x आपको पता है, तो ये पूरी वैल्यू तो क्या आएगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है पाई बाय टू के, ध्यान रहे जो है आपका x आएगा वहाँ पर वो आपको पता है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की दोनों की इक्वल डोमेन्स हैं, तो उनकी डोमेन से बिलोंग करेगा, मतलब आपका x जो आएगा वो क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन के बीच में आएगा। उसी प्रकार टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x वो भी किसकी इक्वल आएगा पाई बाय टू के, ध्यान रखना यहाँ पर भी जो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो दोनों की सेम होती है, कह सकते हो इक्वल है, मतलब x क्या आपका रियल नंबर है। कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x ये भी किसके इक्वल आएगा पाई बाय टू के, और इन दोनों की डोमेन भी इक्वल होती है, मतलब आपका जो x आएगा वो क्या आएगा और मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई बाय टू होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई बाय टू होता है, कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x आपका पाई बाय टू के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप देखोगे
जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाई है, वैसे ही आपने सेकंड प्रूव कर सकते हो, थर्ड प्रूव कर सकते हो। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, कोई जरूरी नहीं साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स को भी अज्यूम कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल, तो एक्स कितना है आपका साइन थीटा, साइन थीटा को कोस में कन्वर्ट कर दो। अगर कोस मानते तो कोस को किस में, साइन में कन्वर्ट कर देते। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा के इक्वल। कोस इधर, अगर कोस इनवर्स एक्स हुआ उधर पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, जो कि इधर आकर प्लस की हो जाएगी। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई टू। तीनों पार्ट्स में एक जैसी चीज़ है, जैसे यहाँ पर साइन था कोस में कन्वर्ट कर लिए, ये टेंजेंट है उसको कोट में कन्वर्ट कर लेंगे, कोट मानेंगे तो टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, कोसेकेंट है सेकेंट में कन्वर्ट कर लो सेकेंट है, सेम फार्मूला लगेगा। तो तीनों के तीनों आपके पार्ट एक जैसे हो, एक जैसे हैं, और प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन भी आएंगे इन पर डिपेंडेंट, तो ध्यान रखना। जैसे कहीं पर यह आ गया साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस कोस इनवर्स वन बाई टू, उनकी वैल्यू निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको आप क्या कह सकते हो फाइव बाई टू की इक्वल। अगले हमारी प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एक्स के बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई आपका क्या होता है लेस देन इक्वल लेस देन वन। दूसरी प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन किससे, एक्स और वाई की प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर आपकी एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है अगर वो लेस देन आपका वन है तब वैल्यू आपकी क्या आएगी इसी की, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। अब जो ये प्रॉपर्टी है इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, लेकिन आप इस चैप्टर में जब भी आप देखोगे आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है 99% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें इन कंडीशंस की जरूरत ही नहीं होगी, कुछ ही क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनमें कंडीशंस, तो इसलिए बहुत बार इन कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस हैं 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना इन कंडीशंस के होंगे, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो आप स्टार्टिंग में तो ऐसे बिना कंडीशन के भी कर सकते हो, तो बाद में जब हम डिस्कस करेंगे कंडीशन के उस टाइम भी देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आ जाए तो किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई में वन माइनस एक्स वाई, और तब जब आपके एक्स वाई की एक्स वाई किससे लेस देन है वन से। उसके बाद अगर इसके प्रूव करने की बात आ जाए तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने क्या किया टेन इनवर्स एक्स को ए अज्यूम कर लिया प्लस टेन इनवर्स वाई को हमने बी अज्यूम कर लिया, तो टेन इनवर्स एक्स ए टेन इनवर्स वाई बी, तो एक्स की वैल्यू टेंजेंट ए वाई की वैल्यू टेंजेंट बी, ये आपकी निकाली हुई। तो यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, जो कि आपको पता है टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट ए की जगह टेंजेंट ए की वैल्यू और टेंजेंट बी की जगह वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, ये वैल्यू आ गई। तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इसके इक्वल आ गया, तो ए प्लस बी आपका किसके इक्वल आया टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है टेन इनवर्स एक्स, बी की टेन इनवर्स वाई, तो मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। देखो हमने यहाँ पर कंडीशन का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर कंडीशन का यूज करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे चार केस बन सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है एक्स और वाई की प्रोडक्ट लेस देन वन है, तो ऐसा भी हो सकता है एक्स और वाई दोनों क्या हैं आपके पॉजिटिव आ जाएं या दोनों नेगेटिव आ जाएं, तो इस तरह से मतलब आपके चार केस बन जाएंगे यहाँ पर अगर आप टोटल बना के देखोगे तो उनसे निकालोगे, तो मतलब हर एक बार कंडीशन का ध्यान रखते हुए अलग अलग बार आपने प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम इन कंडीशंस का बिना यूज किए ही मैंने यहाँ पर प्रूव किया है। और आपके एग्जाम के लेवल में के हिसाब से देखें तो इतने में काम चल जाता आपका।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इसके बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। और अगर इसके भी प्रूफ की बात करें तो सिमिलर वे है, यहाँ पर क्या रहेगा ए प्लस बी की बजाय हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद सेम सोल्व करके देख सकते हैं आप। आगे प्रॉपर्टी है टू टेन इनवर्स एक्स आपका किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये कब, जब आपका मोड एक्स लेस देन इक्वल वन है, मतलब आपका एक्स है जो क्लोज इंटरवल माइनस वन और वन के बीच में हो। दूसरा आपका टू टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आप टू टेन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना जो आपका एक्स है शुड बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। उसके बाद और सॉरी हाँ नॉन नेगेटिव रियल टू टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर मोड एक्स आपका शुड बी लेस देन वन, मतलब आपका जो एक्स है वो ओपन इंटरवल माइनस वन और वन के बीच में हो। तो अगर इनके प्रूफ की बात करें, हम कोई भी जैसे ऊपर वाले को प्रूव करना है तो आप एक्स की जगह टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो, एक्स की जगह हमने टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया तीनों के तीनों पार्ट्स में। इसमें किया टू टेंजेंट थीटा बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर साइन टू थीटा, फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा किसके बराबर होता है टू थीटा के, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो टू थीटा, थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार ये वन माइनस टेन स्क्वायर बाय वन प्लस टेन स्क्वायर, हमने तीनों पार्ट्स में एक्स की जगह टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये कोस टू थीटा फार्मूला होता है, कोस इनवर्स ऑफ कोस टू थीटा आपका किसके बराबर होता है टू थीटा के, और थीटा की वैल्यू आपकी कितनी, अगर टेंजेंट थीटा एक्स के बराबर है तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स आएगी, तो ये भी टू टेन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट, आपकी ये प्रॉपर्टी है टू साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स रूट वन माइनस एक्स के, जहाँ पर आपका मोड एक्स है शुड बी लेस देन इक्वल वन बाय रूट टू, मतलब आपका जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन बाय रूट टू से लेकर प्लस वन बाय रूट टू के बीच में हो। सेम आपकी टू कोस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी है, वो किसके बराबर होता है कोस इनवर्स ऑफ टू एक्स के माइनस वन, और एक्स आपका शुड बी लाई बिटवीन जीरो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू वन। तो इस तरह से अगर ये भी आपने प्रूव करनी है तो इसमें एक्स की जगह क्या करो आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो, टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन टू थीटा है साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा टू थीटा के बराबर, तो वहाँ से आप थीटा की वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या इस पार्ट को प्रूव करना है तो आप एक्स की जगह क्या करेंगे कोस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई सेम प्रॉपर्टी है, सिर्फ अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो बीच में क्या आएगा माइनस वाई, और कंडीशन क्या आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, मतलब आपके जो एक्स और वाई जो पॉइंट हैं एक्स और वाई की जो वैल्यू है आप कह सकते हो ये क्या है वन यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है, तो वन यूनिट जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे एक्स और वाई की वैल्यू उन्हीं के बीच में से आए, मतलब आपका अगर वन यूनिट का कोई सर्कल ड्रा करते हो आप तो अंदर जितने भी पॉइंट होंगे एक्स की एक्स और वाई सिर्फ उन्हीं में से हो, आपके एक्स और वाई अंदर जितने पॉइंट मिलेंगे उस कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, या आपका एक्स और वाई की प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव, एक्स और वाई की प्रोडक्ट आपकी क्या है जीरो से लेस देन, या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, एक कंडीशन को उसने कम से कम सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है सेम आपकी, सिर्फ बीच में क्या आ गया आपका माइनस का आ गया साइन, और सेम यहाँ पर जो एक्स और वाई की प्रोडक्ट है शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या एक्स और वाई की वैल्यू इस को सेटिस्फाई करें, मतलब आप कह सकते हो वही बात आ गई भाई कि ऐसा सर्कल है उसके भी अंदर का एरिया रीजन रिप्रेजेंट करने लगे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक्स और वाई इन्हीं में से कोई ना कोई भी पॉइंट आ जाए यूनिट सर्कल के अंदर से, जैसे आपके इसके कोऑर्डिनेट वन जीरो है तो आपके इसके जीरो वन है, तो आपके यहाँ से कोई भी पॉइंट आ जाए वो सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब यहाँ से कोई भी वैल्यू आ जाए एक्स और वाई की। उसके बाद
मतलब इसमें से कोई भी पॉइंट आ जाए। उसके बाद है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, आपका फॉर्मूला है कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा और प्लस यहाँ पर माइनस है तो आपका प्लस होगा। कंडीशन आपकी दी है, क्या दी है, एक्स और वाई क्या हो आपके नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो, या दूसरी कंडीशन में एक्स और वाई का डिफरेंस आपका क्या है, आप कह सकते हो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर है। तो एक्चुअल में अगर इन दोनों को प्रूव करना आ जाए तो इसी को प्रूव करना, जैसे आपके अगर वो साइन इनवर्स को एक ए अज्यूम कर लिया इसको अपने बी, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए प्लस बी बन, और यहाँ पर एक्स की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, अगर साइन इनवर्स एक्स ए के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू साइन ए हुई, साइन इनवर्स वाई अगर बी के इक्वल है तो वाई की वैल्यू साइन बी, तो एक्स की जगह साइन ए वाई की जगह साइन बी, साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर बी कोस बी आ जाएगा यहाँ पर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी साइन ए, मतलब आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा फार्मूला बन जाएगा जो कि आपका साइन ए प्लस बी के इक्वल है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी, ये साइड भी आपकी ए प्लस बी आई थी तो दोनों साइड आप इक्वल आ गई आपकी, तो इस तरह से प्रूव कर सकते हो। सेम चीज़ आपकी इन्हीं में, इसमें भी इसको ए अज्यूम कर लो, इसको बी अज्यूम कर लो, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के राइट हैंड साइड में अज्यूम रख सकते हो, यहाँ पर इसको ए बी ऐसे ही आप ए बी अज्यूम करके इनकी वैल्यू दोनों साइड की इक्वल निकाल सकते हो। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैं बता देता हूँ आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पर, ये जो थीटा है ये एंगल है, तो मतलब ये जो थीटा यहाँ पर थीटा के इक्वल तभी होगा जब आपका थीटा साइन इनवर्स की जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा। अब जैसे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक, तो अगर आपका थीटा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आपका किसके इक्वल होगा, थीटा का, फॉर ऑल लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू। सेम कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा किसके बराबर होगा, थीटा, सेम चीज यहाँ पर थीटा शुड बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स, वो क्या आएगी आपको पता है कितना होता है कोस इनवर्स की रेंज, जीरो टू पाई। सेम यहाँ पर थीटा किससे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और आगे भी लिख सकते हो आप कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, लेकिन वहाँ पर थीटा शुड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो। अब यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर पहले साइन इनवर्स था फिर साइन था, अब क्या पहले साइन है अंदर साइन इनवर्स है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा एक्स के, ध्यान देने की बात क्या है, साइन इनवर्स एक्स पूरा ये एंगल होता है और ये अकेले ये एक्स क्या है, कोई रियल वैल्यू है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर एक्स शुड बिलोंग्स टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स शुड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, और आपको पता है साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, मतलब अगर आपके एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल माइनस वन वन के बीच में आएगी तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, जैसे यहाँ पर वन बाई टू होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाई टू, तो किसके बराबर आ जाता है, वन बाई टू, वजह क्योंकि जो यहाँ पर एक्स लिखा हो क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन के बीच में। सेम यहाँ पर भी आपका एक्स किससे बिलोंग करे, माइनस वन टू वन, यहाँ पर आपका एक्स क्या हो, रियल नंबर, मतलब यहाँ पर जो लिखा है आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एंगल है यहाँ पर वैल्यू है, एंगल रेंज से बिलोंग करे, वैल्यू आपकी डोमेन से बिलोंग करे। अब मैं आपकी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी करवाता हूँ और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं कोई भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 होता है, तो आप इसको किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हो जैसे आप चाहो। मान लीजिए इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसका तरीका होगा टेन इनवर्स ऑफ, आपको पता है अगर साइन इनवर्स ले तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करो जिसका 3 क्या है परपेंडिकुलर और 5 क्या है हाइपोटेनस, तो देन उसका बेस क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो अगर आपको टेन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है
तो टेन इनवर्स के अंदर आप जो रेशो लिखोगे वो किसके, आपको पता है टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टेन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो अंदर लिखोगे परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, मतलब आपका 3/4। अगर मान लिया इसको आपने सीकेंट इनवर्स में चेंज करना है, सीकेंट इनवर्स, तो सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा क्या होता है, रेशो होता है किसका, हाइपोटेनस और बेस का, तब ये कितना हो जाएगा 5/4। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर आपके पास कोई भी ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई एंगल दिया, आपका एंगल ही तो नहीं ये सारे के सारे, तो आप उसको जैसे साइन इनवर्स में अगर टर्म लिखी है तो उसको टेन इनवर्स में कोसेकेंट इनवर्स सीकेंट इनवर्स किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो कह सकते हो आप किसी एक टर्म को दूसरे टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपका मान लिया टेन इनवर्स आपका 5/12 और आपको इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 5 आपका परपेंडिकुलर 12 बेस, देन ये कितना आ जाएगा आपका 13, और आप इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कोस इनवर्स कोस थीटा रेशो होता है बेस और हाइपोटेनस का, मतलब 12/13। तो कह सकते हो आप कोई भी ऐसी टर्म दी है उसको दूसरी, जैसे साइन इनवर्स में दी है तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड इनवर्स किसी में किसी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो करवाई गई है, लेकिन इसमें क्या है आप अगर मैंने क्या किया है मोस्टली कुछ कंडीशंस करवाई हैं और कुछ नहीं करवाई है, जो पीछे आपकी कंडीशंस लिखी होती है, तो मतलब लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे या कहीं भी मिलेंगे, वो बिना कंडीशन के ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं। तो आप इनको प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से करो, और इस एक्सरसाइज के मतलब आपकी ये जो सेकंड एक्सरसाइज थी प्लस टू लेवल के हिसाब से, तो प्लस टू क्लास के हिसाब से, तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। तो आप सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से याद करोगे, आपको समझ भी आनी चाहिए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ईजिली कर सकते हो।